पूरे खानदान का डेटा पैक फूक के हमने ढूंढे मोटले लोगों के फेवरेट फास्ट फूड चेन्स के सस्ते कॉपी। पूरा होमवर्क कॉपी करके बस हैंडराइटिंग बदल दी। इनमें से कुछ पे तो केस भी हो रखे हैं, फिर भी लगे हुए हैं, क्योंकि दिस इज बिजनेस। ये केस वेस वैसे भी किसको ही रोक पाया आज तक। हेलो, हाँ। दुनिया के हर एक अदिदास के लिए हमारा एक अभिभाषक तैयार ही होता है, पर क्या ये कॉपीज रियल से बेटर है ये पता करने हम चले देश धुआं और डुप्लीकेट्स का कैपिटल दिल्ली, जहाँ मिलता है स्पाइस हॉट मोम और सड़क पे दिखते हैं रजनीगंधा के डब्बे, जहाँ अगर आपको डोमिनोज खाना है तो डोमिनोज टाइप तो करना था इन्हें, पर पैरों से जो दबा वही नाम रख दिया। डोमिनोन, डोमिनोज, डोमिनोक्स, डोमिंड, डोमिनो, ओमिनोज, ओमिनोज, ओमिनोज। ये सब सही में लिखा है कि मैं ईशान अवस्थी बन गया हूँ? मेरे नाम के भी इतने वाहियात स्पेलिंग्स नहीं बने यार। इनके लावा केक में चौकोने रस्ते का डांबर होगा, चिकन विंग्स में कौवा दे देंगे, मैं बोल रहा हूँ। भाई अब इन सब में से मंगाए कहाँ से? रिव्यूज देख के डिसाइड करते हैं। भाई साहब, इतनी गंदी गंदी क्वालिटी का आज तक नहीं खाया। फेक डोमिनोज पिज्जा है, मान तो यही कर रहा है कि गोली मार दूं तुम्हें। यहाँ तो मार भी देते हैं। वेरी वर्स्ट पिज्जा, तू ऐसा पिज्जा खाना मतलब मरना। प्लीज रिफंड माई मोनी, डोंट ऑर्डर चिकन पिज्जा, दे गिव यू सोयाबीन इन चिकन पिज्जा। पनीर मंगाएंगे तो थर्माकोल डाल देंगे ये लोग। आज व्रत ही रख ले क्या? अरे चूज कर। इससे एक दिन का लूज मोशन होगा, इससे तीन दिन का। उनकी फोटो देखो कैसे डाले हुए, और लोगों को जो मिला उसका फोटो देखो। ये देखो भाई, किसी को ये मिला है? चीज ही नहीं है इसपे। एक सैशे जितना शैम्पू डाल दिया मेयो के नाम पे इसमें। गाइस, मेन रेस्टोरेंट जहाँ से करना था वो तो बंद हो गए। ओमिनोज और होमिनोज से तो करना था यार हमें। अगर तुम लोग ना ये सब देख के स्कैम हो रहे हो और गलती से इसे डोमिनोज समझ के मंगा रहे हो ना, तो तुम डिजर्व करते हो भाई स्कैम होना। डोमेन्स यहीं से मंगाते हैं। और जब तक हमारा ऑर्डर आता है, हम चलते हैं एक एक्चुअल फुल कॉपी रेस्टोरेंट। तो हमारा पहला लोकेशन है डीमॉन्स पिज्जा। डीमॉन्स है कि डीमॉन्स, इन्हें खुद नहीं पता। बर्गर को ही एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये चाहते नहीं कि कोई पिज्जा खाए। इनका लोगो एग्जैक्टली सेम है डोमिनोज की तरह। कौन जाएगा डोमिनोज जब हमारे पास है डीमॉन्स? यहाँ चौको लावा भी है, चीज बर्स्ट भी है, अंग्रेजों की फोटो लगी हुई हर जगह, बिल्कुल रियल डोमिनोज की तरह। क्योंकि इंडियंस की पिक लगाने से महंगी कैसी लगेगी जगह? ये फोटोज भी एग्जैक्ट डोमिनोज की वेबसाइट से चुराई। सेम जैसे लाइव किचन होता है ना, वैसे यहाँ पे भी ये पिज्जा बेस बनते हुए दिख रहा है। नो ग्लव्स, नो एप्रन, ओनली प्यार। ये सीक्रेट मसाला है सर का, ये नाम नहीं बता पाएंगे। सपना है ऐसा पिज्जा बनाना। सीरियसली अच्छा लग रहा है भाई, बहुत सारा है। अच्छा, अच्छा है। अभी कैमरा कट करो और थूकेगी। क्या बना है? क्या बना है? कोई पूछ रहा हूँ क्या बना है भाई? कॉपी करके ना, या तो लोग उनके जैसा बनते हैं उससे बेकार बनते हैं, उससे बेटर नहीं बनना होता भाई। क्या बना है? कल को एक वो होता है ना, कहना है किस द शेफ इतना अच्छा बना है, जा कर दे। अच्छा आइडिया है ना। अंकल को नहीं पसंद आएगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अंकल जा इंटरेस्टेड ना। बहुत अच्छा बना है भैया, बहुत अच्छा है। अच्छा चल रहा है आपका? इन्होंने देख कितना कुछ दिया है। ये चार जा रहा है सारा जेब में। कहाँ जा रहा है? मेमोरीज लेनी होती है ना, जब कुछ अच्छा खाओ तो मेमोरीज लेनी होती है। लाइटिंग भाई लोगो बहुत अच्छा बना है, कलर स्कीम भी सेम, अंदर के फोटो सेम, खाने में मेन्यू में भी सब सेम, बट यार ओरिजिनल होता है ना उसके जैसा बनना होता है, उससे बेटर नहीं बनना होता, इसलिए इसकी मार्क्स थोड़े कम होंगे, 8/10। नेक्स्ट है डोमिनोज का बाप, डोरेमोन पिज्जा। डोमिनोज भी ब्लू है और डोरेमोन भी ब्लू। ये इनका एनीवेयर डोर जिससे आप सीधा इटली पहुंच जाओगे। यहाँ है रेड सॉस और व्हाइट सॉस। नहीं यार, कल ही तो कागज खाया था, अभी फिर नहीं खाना। डोरेमोन पिज्जा के नाम पे मुझे नहीं लगा था कि दो डोरेमोन देखने वाले ही अंदर पिज्जा बनाएंगे। कैश काउंटर के पीछे इतना सा सर दिख रहा था, मैंने कहा अंकल नीचे बैठे हैं लगता है, देखा तो उतने ही हाइट का बच्चा खड़ा था भाई, इतना छोटा था वो। बच्चों से क्या ही हम पिज्जा मांगे भाई, उनको देखने दो डोरेमोन, हम जाते हैं यहाँ। नो डोरेमोन। डोमिनोज का पिज्जा 30 मिनट में आ जाता है, पर यहाँ 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं, तो हमने सोचा टाइम पास कर ले। कॉपीराइट आएगा आपके कॉलर ट्यून से। हेलो, ओमिनोज पिज्जा से बोल रहे हैं? हाँ जी। ओमिनोज पिज्जा क्या होता है? डोमिनोज होता है ना? डोमिनोज नेम अलग है, ओमिनोज अलग है। सेम ही आपने नाम बनाया है? हाँ, सेम ही नाम बनाया है मैंने। असली डोमिनोज का किधर मिलेगा? असली डोमिनोज का तो सिर्फ पता करो, वहाँ पे तो कोई डोमिनोज नहीं है। ओमिनोज भी नहीं है? नहीं नहीं, ओमिनोज भी नहीं है, डोमिनोज भी नहीं। वो अन्य ऑल पर सोचो कितने ऑर्डर आ रहे हो। मैं भी बना रहा हूँ डोमिनिंदर, दम मोहन, दम आलू। हेलो, डोमिनोज पिज्जा से बोल रहे हैं?
नहीं। कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से। यहाँ दुकान खोल के जयपुर में क्या कर रहे हो? तुमको नहीं आता धंधा चलाना यार? पर पूरे एक घंटे बाद फाइनली जोमेटो वाला आ ही गया। और अरे भाई मेरा ऑर्डर बेल्ट नहीं खाना, पिज्जा खाना है। अरे इसी में टाइम लग गया क्या? अमूल माचो पहन के नाचो। डब्बा तो बिल्कुल भी डोमिनोज वाला है नहीं, लाल रंग का है जिसपे सिर्फ पिज्जा लिखा है। ये क्या है? ओके भाई, ये साइड्स में क्या टूथपेस्ट? क्या ये कड़क कड़क? ये तो पेपर है भाई, फाड़ सकता हूँ मैं इसको। मलाई दे दी मेयो के नाम पे, टूथब्रश में लगा के दांत मंजू। फेविकॉल जैसा वो एक लेयर बन जाता है ना हाथ पे, बचपन में हम लोग फेविकॉल लगा के लेयर निकालते हैं। इसमें क्या है? ओ भाई ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ये बाल क्या? बाल है, मस्त बाल है। और पनीर के पीस का साइज तो देख के आहा, जो कंजूसी हुई है। कितने का भाई ये? 500 रुपए का तो नहीं मिला ये छोटा किलो? एक में टूथपेस्ट है, एक में बाल है। ये ओ शिट, जो 10 रुपए का 30 रुपए का बेस आता है उसपे बनाया। इससे सख्त ब्रेड मैंने आज तक नहीं देखा। किसी का अगर सर फोड़ना ना, ईंट के जगह आप ये मार सकते हो उनके सर पे। और लोग डोमिनोज सोच के इससे अपना पैसा दे के ये मंगा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एम्बुलेंस को बोल देते कि देखो हम ये खाने वाले, तो आप रेडी रहो, जब तक हम खाएंगे बीमार पड़ेंगे वो हमें ले जाएंगे हॉस्पिटल। वाह ये अच्छा है, ये तो लोडेड वेजीज वाला है। मैं गार्लिक ब्रेड खा रहा हूँ, तू पिज्जा खा ले। दांत टूट जाएंगे। मशरूम जला हुआ है, दिखने में भी अच्छा था पर मशरूम जले हुए हैं सारे। क्या हुआ? क्या हुआ? जो हुआ वो तुझे भी होना चाहिए, खा तुझे समझे। हाँ मैं लेता हूँ ना दूसरा साइज लेता हूँ। लगा केमिकल भाई, वही तो चीज है ही नहीं, कुछ फेक कुछ अलग ही डाला है। इससे बेटर तो मैं बाल खा लूं उनका। बाल दे दो। खा ले बाल वाला स्लाइस उठा। मैं समझने का ट्राई कर रहा हूँ कि बाल है किधर का, मूंछ का है सर का है पता नहीं ना यार। ओ, ये फेविकॉल वाला पूरा खाया जा सकता है गाइस। नहीं ये वाला ठीक है ना? क्या हो गया? मैं मेरी बॉडी बोल रही है, चुपचाप बाथरूम में जा और उल्टी करके निकाल इसको मेरे में से। अब हम सच में सारे रिव्यूअर्स का दर्द समझ पा रहे हैं, क्योंकि डोमिनोज लेवल के ही प्राइसिंग पे अगर तुम्हें ये मिल रहा है बहुत हॉरिबल है। पड़ोस वालों थोड़ा खाना है ले लो, इसमें टॉपिंग क्या है? बाल है। खाओगे? वेज है ना? हाँ बाल तो वेज ही होता है सर। कहीं स्पेलिंग देख के मंगाया करो प्लीज, हमारे तरह मत बनो, रियल वाला ही अच्छा है। और मैकडॉनल्ड्स का आपको दिल्ली में मिलेगा मैकडॉन कैफे। करंटली नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर, वरना तो हम एक छोटा डॉन तो मंगा ही लेते ना। दाऊद इब्राहिम के ऊपर और नीचे बन लगा दिया तो बन गया मैकडॉन। मैकडॉवेल्स पिज्जा, मैं लगता है मैकडॉवेल चढ़ा के ही भूल गए कि हम बनाते क्या है। गार्लिक ब्रेड नो सर, यहाँ सिर्फ चकना पापड़ मिलेगा। मैकडोनर्स, मैकडोनर विक्की डोनर जैसा इस जोकर का डोनेशन इकट्ठा होता है क्या इधर? भाई यहाँ एक्स्ट्रा मियोनी मत मांग लेना, ये इनकी मियोनी है। और मैकडॉनल्ड्स कैसे बजट के हिसाब से कम में मैक आलू टिक्की देता है, महंगे में मैक महाराजा, बट ये लोग एकदम डायरेक्ट सस्ते में गरीबी मोमोज, गरीबी स्प्रिंग रोल, गरीबी मोमो में ये मैदे के अंदर चिल्लर भर के देते हैं भाई। जिस कटोरी में मोमो आते हैं वो आप साथ ले जा सकते हो सिग्नल पे बैठने। हेलो मैकडोनर बोल रहे हैं? नहीं भैया नहीं है। अच्छा बंद कर दिया आपने? नहीं वो लड़का चले गए कारीगर। मेरे को खाना मंगाना था मैकडोनर से, उनका डोनेशन चाहिए था। नहीं नहीं आज तो नहीं हो पाएगा। नहीं उसके लिए तो मैं दिल्ली आया था मैकडोनर। बिना गरीबी मोमोज के क्या हाल हो गया इसका। मैकडोनल्ड्स का रिश्तेदार मैकडैनियल्स, बर्गर में है एक, मिल्कशेक में है दो, बस खत्म खत्म। हमें जैसे या सिर्फ मैगी बनाना आता है या अंडा बनाना आता है, इन्हें सिर्फ एक ही बर्गर बनाना आता है। खाना है तो खाओ, वरना मैकडोनर की मियोनी ले लो जाके, फ्री फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि मैकडी के फेंके हुए स्टॉक से उठाने का खर्चा थोड़ी लगता है। एक बर्गर के चॉइस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि कौन सा ऑर्डर करूं, इतने ऑप्शन दे दिए ना डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। बर्गर विद फ्राइज, बस अखबार में देना रह गया था। फ्री केचप मिलता है, डेंगी ये बीमारी मच्छर काटने पे बनाए केचप, फ्री फ्रेंच फ्राइज, और वो भी मसाला डाल के। मैकडॉनल्ड्स तो पीरी पीरी का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, इसमें तो ऐसे ही मसाला है, फ्री में दिया है भाई। मैकडेनियल, ओ ओ ओ अच्छा ही दिख रहा है यार। अच्छा यार, ओ भाई बाप रे लॉर्ड।
लोडेड है भाई, लोडेड। मैकडोनल्ड्स में मिलता है सूखा घास फूस और हमारे फ्यूचर जैसा खोखलापन। बट ये जब आप एक ही बर्गर बनाते हो ना तो किचन का सारा स्टॉक एक ही में डाल देते हो, ये फायदा है मैकडेनियल का। टेस्ट में पता चल रहा है कि इन्होंने क्यों एक ही बर्गर बनाने का सोचा। मत बनाना भाई, और एक ठीक है, बर्गर कम सलाद ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट है बर्गर किंग। बर्गर किंग की कॉपी करनी है तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आएगा? सबसे यूनिक बर्गर क्वीन। क्या खिला के पैदा करते हैं भाई ऐसे क्रिएटिव लोगों को। और बर्गर किंग और क्वीन है तो उनका किंगडम भी तो होगा। एक बर्गर सिपाही, बर्गर घोड़ा भी बना दो किंगडम में। लुक्स लाइक अ बर्गर, टेस्ट लाइक अ इंडियन। अबे इंडियन के हाथ का स्वाद चाहिए था, इंडियन नहीं खाना था पूरा। इंडियन का टेस्ट चाहिए होता तो खुद की कोनी ना चाट लेता मैं। जल्दी बता कौन से इंडियन जैसा टेस्ट आ रहा है? नोरा फतेही, जैकलीन। मेरे पड़ोस वाले चौधरी जी वाला टेस्ट है यार, वो तो इंडियन ही है। बहुत अच्छा लगता है तुझे चौधरी जी का टेस्ट, पांचवा बाइट है तेरा ये। गाइस आपको बर्गर किंग तो पता ही है, और किंग कौन होते हैं? सिंह, सिंह इज किंग, तो बर्गर सिंह। इन नामों का बर्गर से तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ये देखो भाई, वेज छोटू सिंह और ये निक्कू सिंह। छोटू का स्वाद नहीं चाहिए यार मुझे। ऐसा लगता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऑर्डर दे रहा हूँ भैया, एक छोटू सिंह लगा दो और एक निक्कू सिंह पैक करके दे दो भाई, पुलिस आ जाएगी ऑर्डर देते देते। एक जो ऑर्डर करने की हिम्मत भी नहीं हुई, बंटी पापे दा आलू। हाँ दीदी, मैं बंटी पापे दा आलू खा के आया हूँ, तो आपके लिए भी मंगा दूँ उसके आलू। भैया एक हॉट बिहारी देना। अरे डिप 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 आपके मेन्यू में डिप। और इनके पास है उड़ता पंजाब बर्गर। एनसीबी मेरे फोन। छोटू सिंह कल बड़ू सिंह बन के निकलेगा। निक्कू सिंह पे हॉट बिहारी डालो तब शायद स्वाद आए। पूरे परिवार के लिए एक एक हॉट बिहारी ले आता हूँ। कॉपी रेटिंग 0/10। बर्गर किंग में बर्गर बिक रहे हैं, यहाँ तो इंसान बिक रहे हैं भाई। और यहाँ अगर KFC मंगाने का सोचो तो क्या आता है भाई? SFC सरदार जी फ्राइड चिकन। बुड्ढे KFC वाले अंकल का लग रहा है पुनर्जन्म हुआ है सरदार जी के रूप में। KFC? ओ कुनाल फ्राइड चिकन, FFC। अब हम आए KFC के भाई, इसका नाम है ZFC। मेकिंग हैप्पीनेस। अपना एक नया नाम और लोगो तो नहीं बना पाई, फॉन्ट भी सेम, कलर भी सेम, ट्रेडमार्क। आता है कॉन्फिडेंस, फिर ओवर कॉन्फिडेंस। और CCTV, अरे जो खुद चोरी करते उनको चोरों से क्या डर। पूरा मेन्यू सेम है पर पिज्जा KFC में। मेकिंग हैप्पीनेस बोल के बुढ़े अंकल को रुला दिया। बाकी सब तो कॉपी कर लिया, टाइम तो सही कॉपी कर लेते। अरे इनके एक्वेरियम में एक भी फिश ही नहीं यार। अरे वो फिश बर्गर में डाल दी। KFC से बटर के और वर्स। सेम लेवल। KFC लेवल पे। तो बुड्ढे अंकल से तो डर। बहुत अच्छा है पर मैं और नहीं खाऊंगा। क्यों? अच्छा है कि मुझे मन कर रहा है मैं इन्हीं को खिला दूंगा, बहुत टेस्टी है तो मैं नहीं करता हूँ। अरे 12th पास मुर्गे KFC में टपकते हैं और 12th फेल वाले ZFC में। इसकी कॉपी रेटिंग है 15/10। खुद को ओरिजिनल भी बोल रहे, कॉन्फिडेंस के एक्स्ट्रा मार्क्स। और ZFC के बाहर बहुत एंटरटेनमेंट भी है। खत्म ही नहीं हो रहा भाई, भाई, भाई। निकलो भाई, हमें ना मार दे, हमें मत मारो। नेक्स्ट है पिज्जा हट, जिसका आपको दिल्ली में मिलेगा। हट नहीं, हाउस। पिज्जा हाउस, पिज्जा होम, पिज्जा एंड हट, पिज्जा हट, पिज्जा हट रॉयल। जोमेटो वाला क्या घोड़े के रथ पे लेके आएगा ऑर्डर? सोने की तिजोरी में होगा पिज्जा क्या रॉयल? लोलो बोबो पिज्जा है क्या? इस पे टॉपिंग्स क्या होंगी? ये लुल्लू पुप्पू होता क्या है? पिज्जा पे कुछ भी हक्के डाल देंगे, बोलेंगे हमारे यहाँ पे इसी को लोलो पोपो कहते हैं। करीना कपूर के बहनों का नाम लग रहा है लोलो पोपो बेबो। आपके मेन्यू में एक पिज्जा है लोलो पोपो पिज्जा करके, इसमें क्या टॉपिंग डलती है? वो नंबर गलत मिल गए। बट पिज्जा हट का जो बेस्ट मिला है पिज्जा हॉट 69, पिज्जा स्टार्टिंग एट ओनली 69, ये इनका रीजन। भाई 10 रुपए अपना प्राइस बढ़ा लो पर नाम बदल लो यार, लोग दूसरे वेबसाइट पे ये नाम सर्च कर रहे हैं, खुल रहा है उनका जोमेटो। अरे उनको दूसरे चीजों की भूख और प्यास है भाई। पहले इनका नाम पिज्जा स्लाइस था, फिर इन्होंने सोचा कुछ ऐसा नाम रखते हैं जो लोग बहुत सर्च करते हो। यहाँ अगर इतना हॉट हॉट करके पिज्जा ठंडा निकला ना तो पूरे 69 रुपीस वापस लूंगी। सुन ना, अपनी लोकेशन भेजना। नहीं आता मैं, अब छोड़ ना, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पिज्जा हॉट में आपकी बात हो रही है भैया या पिज्जा की? कैसा है हॉट? 69 सब में 69 मार्क्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 69। इंडियन पिज्जा हट। वो
छोड़ के चले गए। पास तो आई कुछ सही है भाई, कोई वो अंकल पिज्जा हट में खाने गए हमारे। यहाँ की स्पेशलिटी थी ओयो पिज्जा। क्यों पिज्जा पे हिडन कैमरा लग के आते हैं? और ये ओयो स्पेशल आपका ही है ना कुछ ओयो होगा नहीं है मेरी शक्ल देख ली उसको लगा होगा ये कौन सा ओयो जाएगा भाई मेरी शक्ल देखो ओयो वाला लग ही नहीं रहा संस्कारी शक्ल लेके जाओगे ना ओयो पिज्जा नहीं मिलेगा नहीं। और स्टारबक्स कॉफी का यहाँ मिलता है सरदार जी बख्श कॉफी जो पहले सरदार बख्श था पर स्टारबक्स ने इन पे केस ठोक के बख्शा नहीं इन्हें पर इसीलिए अब हो गया सरदार जी बख्श। खुन्नस में हमने सुना है कि इन्होंने अपने सारे आउटलेट एक्चुअल स्टारबक्स से भी प्रीमियम के बनाए हैं। अमेरिकानो क्या यहाँ अमृतसरानो पिलाओ भाई, यहाँ भी लैपटॉप में सिर्फ मैकबुक अलाउड है स्टारबक्स की तरह। 250 की कॉफी थी भाई, स्टारबक्स का लुटेरापन नहीं कॉपी करना था। यहाँ के भी ग्लास को घर ले जाके धो के इसी में बोनवीटा छाछ जूस पानी भी इसी में पीऊंगा तब जाके वसूल होगी। ये सस्ती कॉपी ढूंढने के चक्कर में महंगी कॉपी में लुट गए। फोटो भी खींचते महंगी कॉफी भी वसूल। और सबवे का यहाँ मिलता है सबवे सर्फर, सब ब्रो, सब किंग, सब बॉय, सब डे। आ गया सबवे। सबवे नहीं, सब वब। सब वब रैपर वैपर तो अच्छा है इसका। ब्रेड वेड भी देख लेते हैं सॉस वॉस होगा कि नहीं इसमें। निकलो सबवे, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, परफेक्ट बना ले रहे भाई। फॉरेन का भुट्टा बना दिया है पूरा। देखो गाइस कौन इतना डाला है, हर एक बाइट में इसके गिरे जा रहा है। सब वब अच्छा बच्चा था, पेट वेट भर जाएगा मेरा। कोक वोक भी पी लेते हैं, तो अपने रूम वूम जा वापस। सब वब बेटर देन सबवे। और स्ले पॉइंट का भी स्लो पॉइंट कर दो क्योंकि हम इतना स्लो वीडियो डालते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पिज्जा में भी बाल निकले तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कैफे कॉफी डे का दिल्ली में क्या होगा? कैफे कॉफी हो गया भाई, मुझे घर जाना है।